हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पार्टिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में। हमने ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो वीडियो देखें। हमने उसमें बहुत ही डिटेल में बात किया हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन किस तरीके से होता है। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट यानी कि रिमूवल किस तरीके से होता है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि प्रेसिडेंट की ऑफिस का बैकग्राउंड क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक्चुअली प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री होते हैं, यानी कि सिटीजन्स की जो लिस्ट होती है कंट्री की, सबसे पहला नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही होता है, तो उन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री कहा जाता है। आर्टिकल 52-78 इन पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को इंटेग्रल पार्ट इसलिए बनाया गया है यूनियन एग्जीक्यूटिव का बिकॉज प्राइम मिनिस्टर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो देते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही एग्जीक्यूट होते हैं। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का इंटेग्रल पार्ट माना गया है और उन्हें बनाया गया है। द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ इंडियन स्टेट, बिल्कुल ये नॉमिनल हेड है, डीजी और हेड, दरअसल डिफैक्टो लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। He is the first citizen of country and acts as a symbol of unity, integrity and solidarity of the nation. हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में बात किया है कि किस तरीके से वो सिंबल ऑफ यूनिटी होते हैं और उनका इलेक्शन किस तरीके से होता है और उसी तरीके में क्यों होता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि रिमूवल, प्रेसिडेंट को किस तरीके से आप उनके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं। एनी हाउस कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट चार्जेस एंड दे शैल बी साइंड विद एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। पार्लियामेंट का कोई भी हाउस हो, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, इम्पीचमेंट के प्रोसीडिंग्स जो है वो किसी भी हाउस में भी इनिशिएट कर सकते हैं। चाहिए कि उस चार्जशीट को जो है 1/4 मेंबर, भले वो लोकसभा के हो या फिर राज्यसभा के हो, 1/4 मेंबर जो है उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, तभी जो है इस रेजोल्यूशन को टेबल किया जाएगा, भले ही वो लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में। देखिए, एक और बात याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट चार्जेस जो है वो सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर लगाया जा सकता है, यानी कि अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया हुआ है तभी जो है इम्पीचमेंट के चार्जेस जो है आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इस तरीके के कोई भी चार्जेस नहीं दिए गए। किसी भी चार्ज के अंडर जो है राज्यसभा इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उसे मूव कर सकती है। हम वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक में सभी के बारे में बात करेंगे, तो एज ऑफ नो बस इतना याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, इंपीच करने के लिए इनिशिएटिव कहीं से भी आ सकता है, लोकसभा से भी या फिर राज्यसभा से भी, बस उस इनिशिएटिव को 1/4 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। 14 डेज नोटिस इज सर्व्ड टू द प्रेसिडेंट, तब जो है स्पीकर एक्सेप्ट करते हैं इस मोशन को और 14 दिन का जो है नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। द हाउस विच इनिशिएटेड पासेस द मोशन विद स्पेशल मेजोरिटी एंड सेंड्स टू द अदर फॉर इन्वेस्टिगेशन। मान लेते हैं कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने का मोशन जो है वो लाया गया है, 1/4 मेंबर्स जो है उसे सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर टेबल किया गया है मोशन और स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है उस मोशन को पास किया गया, यानी कि 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर उस मोशन को सपोर्ट करते हैं तो फिर उसे लोकसभा में भेजा जाएगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और अगर लोकसभा में इनिशिएटिव किया गया है तो लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी के साथ इसे पास करेंगे और राज्यसभा में भेजा जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वेल द अदर हाउस इन्वेस्टिगेट्स, प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू सिट इन द प्रेसिडेंट। जब अगला हाउस यानी कि लोकसभा से इनिशिएट होकर अगर राज्यसभा में गया है या फिर राज्यसभा में इनिशिएट होकर लोकसभा में गया है, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर दूसरे हाउस में चल रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये एंटाइटलमेंट दिया है कि वो उस प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं, यानी कि जो सदन में डिस्कशन हो रहे हैं वहाँ पर वो बैठकर सुन सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ अदर हाउस पासेस द सेम विद स्पेशल मेजोरिटी देन द प्रेसिडेंट स्टैंड्स ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। अगर दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेशन के बाद, चर्चा के बाद ये मानता है कि हाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तो वहाँ पर भी स्पेशल मेजोरिटी की बहुत जरूरत है, यानी कि 50% ऑफ मेंबरशिप एंड 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर ये पास कर दे स्पेशल मेजोरिटी के साथ, तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इम्पीच हो जाएंगे, ही विल सीज टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय सेंडिंग हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। अगर इसके बीच में इम्पीचमेंट के मोशन के बीच में या फिर इससे भी पहले या फिर इम्पीचमेंट की भी जरूरत नहीं है, अगर वो विकेट करना चाहते हैं उस ऑफिस को, तो वो डायरेक्टली रिजाइन कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। तो आज का नॉलेज बूस्टर मेरे दोस्तों कि आज तक एक भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच नहीं किया गया है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पार्टिया।